गाजियाबाद के कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क की तस्वीरें बदल गई है। पहले इस पार्क में कचरा फैला रहता था, आसपास मौजूद औद्योगिक इकाइयों का वेस्ट भी इस पार्क में डंप किया जाता था, लेकिन अब इस पार्क को एक सुंदर इको हब के तर्ज पर विकसित किया गया है। जहां पहले कूड़े के पहाड़ होते थे, वहां आज सुंदर हरे भरे पौधे हवाओं के साथ लहरा रहे। पार्क में कुछ फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं। इस इको हब का मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है यहाँ पे मौजूद तालाब है। मॉनसून के सीजन तक इस तालाब को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया जाएगा। पार्क में प्लेइंग जोन, वॉकिंग ट्रैक और तालाब के पास इमिग्रेंट बर्ड्स के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा है। पहले एकदम एक डंपिंग यार्ड होता था पूरा, ये लेक जो देख रहे हैं लेक था ही नहीं, एक पूरा कचरे से और प्लास्टिक के मलबों से भरा हुआ था और कंस्ट्रक्शन के वेस्ट से पूरा भरा हुआ था पूरा ही। और अभी हमने करीब करीब 12,000 पौधे तो लगाए हैं इसमें, और ये करीब एक एकड़ का ये लेक को पॉन्ड को डेवलप किया है, जो भविष्य में हमारी योजना है कि इसमें बर्ड्स के माइग्रेटरी बर्ड्स इसमें आएँ और एक अच्छा सा पार्क जो एक वाटिका की तरह होता है जिसमें लोग आएँ, शाम में टहलें, देखें।